नाम में जिंदगी जान हथेली पर रखकर कै नदी पार करते लोग। नाम में जिंदगी, जी हाँ, आज हम आपको कुछ भयानक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां आजादी के बाद भी कैसी जिंदगी है, एक नाव के सहारे जीने को मजबूर लोग हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर के मझधर के फेस गांव लालार ग्राम पंचायत की हैं, जहां पर कई पीढ़ियों से जिंदगी नाव में सवार होकर नदी पार करने को मजबूर है। ग्रामीण कहते हैं कि आजादी के बाद भी लालर ग्राम पंचायत के साथ तीन गांव टपरियन, भवानीपुरा, राजापुरवा को मार्ग से नहीं जोड़ा गया। इन गांवों में सड़क और सुविधा नहीं है। जानकारी के मुताबिक कई बार प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिलाओं की जाने चली जाती हैं। आवागमन की सुविधा न होने से जननी एक्सप्रेस, डायल 100 जैसी सुविधाओं का लाभ ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं। पन्ना जिले के अंतिम छोर पर ये गांव आज भी विकास के लिए मोहताज है। कहने को तो लाला ग्राम पंचायत पन्ना जिले में है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच बसे इन गांव के ग्रामीणों को पन्ना मुख्यालय तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बताया गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा रास्ता बंद कर दी गई है। ऐसे में ग्रामीण करें भी तो क्या करें, जरूरतों का सामान और इलाज कराने के लिए नाव का सहारा लेकर कैन नदी पार करके छतरपुर जिले के बमीठा और चंद्रनगर गांव पहुंचते हैं, तब जाकर उनका गुजारा चल पाता है। घने जंगलों के बीच बसे होने के कारण इन गांवों में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगली जानवरों से किसान फसलों को खासा नुकसान पहुंचाता है। बताया गया कि लाला ग्राम पंचायत के साथ टपरियन, भवानीपुरा, राजापुरवा गाँव की आबादी लगभग 1300 के पार है। आदिवासी बहुल इन गांवों में चुनाव के दौरान नेता तो पहुंचते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन गांव की जिंदगी मानो मझधार में अटकी है। आज भी ग्रामीण इंतजार करते हैं कि आखिर कोई मसीहा आएगा और उसकी नैया पार करवाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से गंभीर समस्या को लेकर बात कही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्षों से ग्रामीण नाव के सहारे कैन नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव में पहुंच मार्ग नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि पन्ना और छतरपुर के बीच मछधार में फंसे इन ग्रामीणों का समाधान कब तक। रिपीट, वर्षों से ग्रामीण नाव के सहारे कैन नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव में पहुंच मार्ग नहीं है और फिलहाल देखना होगा कि मामला उजागर होने के बाद पन्ना और छतरपुर के बीच मझधार में फंसे इन गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। आखिर कौन लगाते हैं इनकी नैया पार। जीने के लिए जी रहे हैं सही है, लेकिन दिक्कत बहुत है यहाँ पे आने जाने की। हाँ। कब से है ये? तो हमें जब से हम जन्म दिया है सही देख रहे हैं हम, तो आने जाने की व्यवस्था है। तो आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? प्रयास किया है, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हुए अभी तक। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? मरला गए थे, मरला में एक बार जाम लगाया था, और प्रमोद सिंह ने बताया भी था कि पुल बनने की संभावना है, लेकिन उसने भी आज तक कोई जानकारी नहीं दी। अच्छा, पन्ना में एक गांव है, तो पन्ना आप लोग कहाँ से जाते हैं? पन्ना चंद्रनगर से होकर जाते हैं, नाव से उतर के पार करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ से रास्ता नहीं है? यहाँ से रास्ता पार्क वाले नहीं जाने देते। कैसा बताइए ना, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, सब पार्क तीन तरफ से नदी घेरे हुई है, एक तरफ से जंगल है। हाँ, और बाकी कोई सब डरा रास्ता तो आने जाने का बिल्कुल कुछ नहीं है। रूट के मामले में पानी की भी सुविधा नहीं है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? सरकार की योजनाओं का लाभ तो कोई नहीं मिलता है यहाँ पे। अब यही घर ही मकान पक्की बन रहा है। हाँ। कि और कोई ना अस्पताल ना कोई बैंक दे रहा है ललार के नाम से। हाँ। नहीं, कोई सुविधा नहीं दे रहा। अस्पताल वगैरह? अस्पताल वगैरह भी नहीं है। हाँ। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? क्या नाम है आपका? दर्जन। या ऐसे ही निकलते हो? कहाँ गए थे? बमीठा। बमीठा, नाव में ही जाते हो? नाव में। और फिर कौन सी सुविधा है? हाँ, 4 महीना नाव पे जाते हैं। और फिर उसके अलावा? उसके अलावा फिर रिप्टा से। अच्छा, 4 महीना बाद। हाँ, मतलब जिंदगी आप लोगों का नाव में है?
हाँ, नाव में है जी। शासन नहीं सुनती है क्या? शासन क्या सुनती है? हाँ, सरकार ध्यान कभी मांग नहीं किया प्रशासन से कि किया था? हाँ, जो शासन में बजट आ जाएगा तो। हाँ, तो ऐसे ही जाते हैं लोग बाग। हाँ, गाड़ी भी रख के जाते हैं। और बाढ़ आ गई तो? बाढ़ आ गई तो फिर गाड़ी ना जाएगा तो लोग भी उतरेगा। हाँ, अब रह भी आते हैं सर, अपनी समस्या आप ही आए हो सो, जैसे हम रही थे सो हम वहाँ जाना ही थे। कैसे गए नाव में? कैसे आते हैं आप लोग? नाव से जाओ आओ। अच्छा, ये ललार गांव किस जिले में आता है? पन्ना। हाँ, पन्ना जिले में जी। तो पन्ना जिले में जाने के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं? नहीं, राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, तो घर का सामान इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? बमीठा। हाँ, छतारपुर पन्ना। अच्छा। तो जहाँ इलाज हुए होते जाने। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद सिंह। अरविंद, क्या हालात है यहाँ का? यहाँ का है रोड की ज़्यादा व्यवस्था, रोड की है ज़्यादा। यहाँ निकलने से अपन जाते हैं यहाँ से तो 4 महीना अपन खुद दिख बहुत परेशान हो जाते हैं। कैसे जाते हैं? नाव से ही निकलते हैं। नाव से ही निकलते हैं। कब से निकल रहे हैं? अब ये निकल रहे हैं 2-3 महीना हो गया। अच्छा, कब से यहाँ ऐसी परेशानी? ऐसी हो गया 20 साल से। अच्छा, हमें पता ही नहीं है कब से चल रहा है। 20 साल जैसे अपनी उम्र है, अपना जब से आया